आवाज नहीं आ रही, लग नहीं रहा कि वैली वाले लोग बैठे हुए यहाँ पर। मैं दिल्ली से चल करके आया हूँ, काफी थकान थी और लगभग 3.25 घंटे का रास्ता था, लेकिन मेरी हिम्मत अगर कहीं बढ़ी तो गुरुजी से मुझे प्रेरणा मिली, जिन्होंने 21 दिन तक प्रण किया और इतनी कड़ी तपस्या करी। मित्रों, मैं आपके बीच तक अगर यहाँ पहुंचा, शाम को एक कार्यक्रम था उसको निपटा करके निठारी नोएडा से मैं सीधा यहाँ आपके पास आया, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी रविदास, गुरु रविदास जी की जय 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 भीम जय भीम जय भीम। अब लगा ना कि वैली वाले लोग हैं, क्योंकि मित्रों मैं आपको बताने की कोशिश करूं, मात्र 10 या 12 मिनट आपके बीच में रहूंगा, लेकिन जितने मिनट मैं आपके बीच में रहूंगा आपके हक अधिकार की बात आपके भाई ये चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि ये जो आज मैं चला दिल्ली से यहां तक पहुंचा तो किसकी मेहरबानी थी, अरे ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, अरे ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, गुरु रविदास ही पहचान वाले हैं। हाथ ऊपर आने चाहिए, लगना चाहिए कि कविता पढ़ने के लिए आपके बीच में कोई बच्चा आया है, कि ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, अरे गुरु रविदास ही पहचान वाले हैं। अरे लोग पूछते हैं इतनी खुशमिजाजी कहां से लाते हो मंजी, कल मध्य प्रदेश से रात शाम को दिल्ली और फिर मैं बुढ़ाना आया कि लोग पूछते हैं इतनी खुशमिजाजी कहां से लाते हो मंजी, अरे साहब को पढ़ते हैं हम जय भीम की मुस्कान वाले हैं। और कौन है हम मित्रों, आपको बताने की कोशिश करता हूं, जब आपसे पूछा जाता है इस देश के अंदर कि आपका क्या योगदान है, या कहा जाता है कि आपने इस देश को क्या दिया है, तो मित्रों आपको बताने की कोशिश करता हूं, जब लोग आपसे सवाल करते हैं, मेरे युवा साथी यहां बैठे हुए हैं, भीम आर्मी के साथी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं मित्रों, जब आपसे पूछा जाए, जितने साथी यहां खड़े हैं, आपसे आपकी औकात पूछी जाए, आपसे आपकी हिम्मत पूछी जाए, तो उनको बताने की कोशिश करना मित्रों, जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं, जब कहीं हमारी प्रतिभा की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार के शांत करने वाले एकलव्य आपके समाज से पैदा हो जाते हैं, जब कहीं बात की जाती है आपकी शक्ति की, आपकी भक्ति की, आपकी शक्ति की भक्ति की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति की भक्ति की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं मन चंगा कटौती में गंगा करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब इस देश के अंदर बात की जाती है आपके ज्ञान की तो कहीं ना कहीं शंभुक ऋषि आपके समाज से पैदा हो जाते हैं, प्रतिभा की बात की जाती है एकलव्य पैदा हो जाते हैं, शक्ति की भक्ति की बात की जाती है गुरु रविदास आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। मित्रों, इस देश में सबसे बड़ी सुशासन व्यवस्था, सबसे अच्छी सुशासन व्यवस्था चलाने की बात की जाती है, या कहें कि कहीं ना कहीं एशिया में सबसे बड़े सूबे का राजा बनने की बात की जाती है, या कहें सम्राट अशोक के बाद सबसे अच्छा सुशासन स्थापित करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती आपके समाज से निकल करके आ जाती है, और इसी समाज के अंदर जब जमीन पर बैठे हुए आदमी को राजा बनाने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं माननीय काशीराम साहब आपके समाज से आ जाते हैं, जब कहीं सड़कों पे आंदोलन करके एक युवा मासूम लड़का अपनी जवानी को झोंक करके जब वो आगे निकलता है और समाज के लिए तन मन धन से साथ होने के साथ साथ अपने जेल गए आंदोलन भी करता है और साथ ही साथ शब्बीरपुर कांड जैसे अंजाम देता है और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद के अंदर पहुंचने वाले हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आपके समाज से निकल करके आ जाते हैं। इसी देश के अंदर जब बात की जाती है मित्रों खेलों की तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबली आपके समाज से पैदा हो जाते हैं, जब इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात आईएएस परीक्षा टॉप करने की बात की जाती है, यूपीएससी की परीक्षा टॉप करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आपके घर की लाडली बेटी आईएएस टॉपर टीना डाबी आपके समाज से निकल करके आ जाती है। और मित्रों अब जितने हाथ खामोश थे एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, जिनके लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई है, जिस शख्सियत के लिए इतने महापुरुषों के नाम गिनाए हैं, एक भी हाथ यहाँ खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है, यहाँ संत समागम हुआ है। बात कहने की कोशिश करता हूँ मित्रों, जब कहीं बात की जाती है आपकी प्रतिभा की तो एकलव्य आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। सात समुंदर पार
कहीं ना कहीं आपके शौर्य की साहस की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सात समुंदर पार जनरल डायर के सीने में गोली दागने वाले शहीद उधम सिंह आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है आपकी शक्ति की, कहीं बात की जाती है आपके शौर्य की, बात की जाती है अधिकारों की, बात की जाती है शिक्षा की, बात की जाती है संघर्ष की, या बात की जाती है जमीन पर बैठे आदमी को ऊपर पहुंचाने की, या बात की जाती है इस दुनिया में सबसे बड़ा ग्रंथ अर्थात संविधान लिखने की बात की जाती है और 5000 वर्ष पुराने इतिहास को बदल करके एक नया इतिहास लिखने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके समाज से निकल करके आ जाते हैं। और एक कविता उनके सम्मान में जो विदेशों तक लहरी, न जाने कितने देशों में उसने यात्रा करी और मुझे भी यात्रा कराई, उस कविता को कहने की कोशिश करता हूं। मित्रों, जिनके लिए इतनी बड़ी भूमिका बनाई कि वाहरे बाबा साहब, अरे वाहरे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाहरे बाबा साहब अब तो इतना बड़ा बड़ा मंच हम लगाने लगे, 1950 से पहले कितने मंच लगाया करते थे, अरे वाहरे बाबा साहब, अरे वाहरे बाबा साहब कमाल कर दिया और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, अरे वाहरे बाबा साहब कमाल कर दिया कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, कि कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, अरे वाहरे बाबा साहब कमाल कर दिया और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, और रेंगते फिरते थे हम सड़कों पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, लोगों ने कहा कि इतनी गर्मी में भी आप कोट पहन के क्यों आए हो, तो मैं जवाब माला माल कर दिया, अरे रेंगते फिरते थे हम सड़क कर दिया। और जो पीछे वाले लोग भी खड़े हुए हैं ना, जो पीछे वाले लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे भी चाहता हूं कि आज जिस शख्सियत की वजह से हम आज ये समागम आयोजित कर रहे हैं उनके सम्मान में आपके हाथ खुलने चाहिए। मेरे बुजुर्ग साथी यहां पर बैठे हुए हैं जो 1950 से पहले का दौर होगा, वो देखकर तुमने कोई बड़ा तीर तो मार नहीं दिया है, मात्र एक संविधान ही तो लिखा है, उसको 2-4 साल में हम बदल देंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब को म्यूजिक का बहुत शौक था, संगीतकार लोग बैठे हुए हैं बताने की कोशिश करता हूँ, बाबा साहब को संगीत का बहुत शौक था, उन्होंने खुशी में वायलिन बजाते हुए कहा, अरे मूर्ख मैंने मात्र एक संविधान नहीं लिखा है, मैंने तो बल्कि इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है कि कल जो लोग नीचे बैठा करते थे वो तख्त पर बैठेंगे, जो तख्त पर बैठा करते थे वो नीचे बैठेंगे, मैंने रानी की कोक की ऐसी नसबंदी कर दी है, मैंने रानी की कोक की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कोक से नहीं बल्कि जनता के वोट से पैदा होगा। कि वाहरे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया और कुछ भी ना थे, एक पंक्ति 1950 से पहले की पकड़ना और एक पंक्ति अगर मैंने सही कह दी, उस बच्चे ने सही कह दी, तो बुजुर्ग साथियों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, पूरी संत समागम समिति का माला माल कर दिया और रेंगते फिरते थे हमने धमाल कर दिया, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी। बहुत लोगों को याद होगा जो बुजुर्ग साथी यहाँ बैठे होंगे, गले में मटका कमर पे झाड़ू सिर्फ इसलिए हुआ करती थी कि अगर हम थूके तो हमारे थूकने से जमीन अपवित्र ना होने पाए, इसलिए हमारे गले में मटकी बांध दी जाती थी, अगर हम चले तो हमारे पैरों के निशान इस जमीन पर ना दिख पाए, इसलिए हमारे पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। मैं कहता हूँ कि वाहरे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया, कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए उनके सम्मान में, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाहरे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया, और एक बड़ा कमाल क्या किया बाबा साहब ने बताने की कोशिश करता हूं कि इस देश में जब 4-4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बन जाती है तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब का बड़ा कमाल होता है। और मित्रों, इसी देश के अंदर जो निधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया, कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले में जो लोग तुम्हारी पीठ पे चाबू मारा करते थे, अरे कल अरे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया, कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया, अरे कल ना हमारे कवि थे ना संत थे ना सीएम थे ना डीएम थे, अरे कल ना हमारे मंच थे ना टेंट थे, अरे ना सीएम थे ना डीएम थे, और अब तो मनजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। वाहरे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और एक 5 मिनट में आप लोग बीच पढ़ चुका हूँ, 5 मिनट की एक रचना और आरक्षण वाली कहकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। यूपीएससी
यूपीएससी पास करने वाली महिला, उसने भी आरक्षण लगा करके यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, कहीं ना कहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा करके उस आरक्षण का सदुपयोग कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण बंद किया जाना चाहिए। मित्रों, 1950 तक इन्होंने आरक्षण पर सवालिया निशान इसलिए नहीं उठाए 1960 तक, क्योंकि इनके बाप बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिंदा थे। 70-80 का दौर आया तो हमारे लोग सिर्फ कर्मचारी बन रहे थे, इन्होंने इसलिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन इन्होंने लोग देश में तक की अपनी टांग रहे, अरे अजब निराले लोग देश में तक की अपनी टांग रहे, और हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांगे समर्थन दो। तो अगली पंक्ति को जोरदार दीजिएगा, मैं कहने की कोशिश करता हूँ, जल्दी जल्दी अपनी बात को निपटा रहा हूँ। भाई ने बताया कि समय बहुत कम है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे संत जी का जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं आज मेरा आना आज सार्थक सिद्ध हो गया। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां, पूरा ऊर्जा का माहौल दीजिएगा। कहने की कोशिश करता हूँ मित्रों, और मैंने सही बात कह दी हो, क्योंकि मित्रों जब ये लोग कहते हैं कि आरक्षण हमें भी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि हमारे जैसा काम 5000 साल मत करो। मैं ये भी नहीं कहता 500 साल करो, मैं ये भी नहीं कहता 50 साल करो, मात्र 5 दिन ही हमारे जैसा काम करके दिखा दो। आज ही मंजीत सिंह अवतार कैमरे के सामने कह रहा है, आरक्षण शुदा व्यक्ति खड़ा है, आज ही अपना आरक्षण त्याग देगा, हमारे जैसा काम करके दिखा दो। कौन थे हम? हमने इस देश के खेतों को सींचा है, हमने इस देश की धरती को बोया है। तब कहने की कोशिश करता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कहे मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो भूल या आना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है और मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, उसे अपने सिर सींच कर ऊंचा अपना मान किया। अरे हमने हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, उसे अपने सिर सींच कर ऊंचा इसका मान किया। अरे आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, अरे आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, और सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। मैं कहता हूँ आरक्षण को आने में बहुत समय लग गया, आरक्षण पुराने समय पर आ जाता तो शायद जो हमारी प्रतिभाओं का पतन हुआ है, जो हमारी प्रतिभाओं का दमन हुआ है, शायद वो नहीं होता। एक नाम जो सिर्फ भारत का नाम बनकर के रह गया, वो पूरी दुनिया का नाम होता। उस नाम को गिनाने की कोशिश करता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे, और आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है, हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, उसे अपने सींच सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, और सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। अरे आरक्षण जो आरक्षण का तीर अगर जो अरे आरक्षण का तीर अगर जो आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, अरे आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, तो एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। और इन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब कौन है वो लोग बताने की कोशिश करता हूँ। एक जो आज भी हमारे समाज की 70% महिलाएं इस काम को कर रही हैं, वो इस काम को कर दे, आज ही मंजीत सिंह अवतार अपना आरक्षण त्याग देगा कि ताड़न के अधिकारी हम हैं। अरे ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था, और जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अरे ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अरे अपने अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अरे अपने अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, और अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। तो कहता हूं जाग जाओ, आपको जागने की जरूरत है। मित्रों, मैं विदेश में गया, विदेश में मेरा एक कवि सम्मेलन था, कार्यक्रम था, वहां पर पूरी दुनिया के 12 कवि और शायर आए हुए थे। इस बात को जिस मंच पर भी जाता हूं, मेरे लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाली अगर आज तक की कोई दास्तान है, आज तक की कोई घटना है, तो वो मेरे लिए घटना होती है। जब मेरे मित्र साथी से पूछा जाता है कि आप लोग कहां से आए हैं, तो कहता है कि हम इंडिया से आए हैं, और मित्रों अंग्रेज बड़े ही चाव के साथ कहता है कि आप उसी इंडिया से आए हो जहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ है। लेकिन अब ताली मत बजाना जो बात मैं कहने जा रहा हूं, अंतिम बात कहकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा।
बात बहुत लंबी है लेकिन मंच काफी दीर्घ तक जाएगा, मैं अंतिम बात कहकर के आपका अपना स्थान ग्रहण करूंगा मित्रों। लेकिन पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से बाबा साहब को जाना जाता है। बाबा साहब को तरह तरह की उपमाएं दी जाती है। जापान की कोयासान यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का चित्र स्थापित कर दिया जाता है। अमेरिका के लंदन में अमेरिका में बाबा साहब को स्थापित कर दिया जाता है, उनकी विचारधारा को स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन इसी देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता है। कुछ लोग हमारे ही आकर के कहते हैं कि मंजीत भाई तुम्हारे बाबा साहब की मूर्ति का चश्मा तोड़ दिया गया है। मंजीत भाई जैसे कि हमारे भीम आर्मी के साथी है, उनके पास आएंगे कि तुम्हारे बाबा साहब की उंगली तोड़ दी है पत्थर की मूर्ति के अंदर। बाबा साहब की पत्थर की मूर्ति का चश्मा तोड़ा जाता है तो मात्र ये मत सोचो कि पत्थर की मूर्ति का चश्मा तोड़ा गया है, बल्कि ये सोचो कि इस देश के करोड़ों बहुजनों को अंधा बनाने की साजिश की जा रही है। अगर जानते हो तो शेम शेम कीजिएगा, अगर इस बात को मानते हो शेम। क्योंकि मित्रों जब बाबा साहब की पत्थर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, तो मात्र यह मत सोचो कि पत्थर की मूर्ति को ध्वस्त किया गया है, बल्कि ये सोचो कि बाबा साहब के लिखित संविधान और बाबा साहब की विचारधारा को दफनाने की साजिश की जा रही है। जब देश की राजधानी दिल्ली में बाबा साहब के संविधान को जला दिया जाता है तो मात्र ये मत सोचो कि कागज की प्रति को जलाया जा रहा है, बल्कि ये सोचो कि इस देश के करोड़ों बहुजनों के अधिकारों को जलाया जा रहा है। और मित्रों मेरे साथ एक आंदोलन में साथ है, नित नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे संविधान की धारा ये पिटी करके रोती है, नित नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अभी मौन है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? दिल्ली मौन होती है होने दो, दिल्ली कौन होती है होने दो। मुझे और आपको प्रण लेने की जरूरत है, लगे कि मैंने अच्छा कहा है तो अपना समर्थन दीजिएगा कि घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। और भीमराव की जय बोलो तुम, सीधा उसको